हाँ तो अपन ने फैमिली तो बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, फैमिली याद रखना है एचईएफ में। हाँ बस अभी सूरज की वाइफ ढूंढने की बाकी। अरे दिनेश है ना सूरज की वाइफ, बेस्ट। मैं दिनेश को तो देखा ही नहीं। मैं सूरज हस्बैंड वाइफ दिनेश, एक नालायक बेटा रोहित, पोता रितेश, पोते का बेटा अक्षित, अक्षित का बेटा विवेक, बरोबर। और सूरज निपट गया तो सूरज की वाइफ का नया हस्बैंड दिव्या, याद रखने का भी है ये अपने एचयूएफ है। अच्छा अभी ये 4 डिग्री याद रहेगी अपने को, बरोबर। यानी एचयूएफ के अंदर कोपार्टनरशिप 4 डिग्री तक होती है, उसके बियॉन्ड नहीं होती। हाउ एचयूएफ इज फॉर्म्ड, पहला न्यू एचयूएफ फॉर्म्ड फर्स्ट टाइम, फ्रॉम एग्जिस्टिंग एचयूएफ बाय सक्सेशन न्यू एचयूएफ इज फॉर्म्ड। जैसे सपोज करो कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एचयूएफ है पहले से, समझो अभी ये फैमिली है, सूरज बचपन से ही इंटेलिजेंट था, तो सूरज ने क्या किया कि अपनी एचयूएफ बना के रखी थी। सूरज के 2 बेटे थे, एक रोहित था और दूसरा बेटा माधुरी, बराबर। अब सूरज की एचयूएफ अगर स्प्लिट होती है तो उससे जो भी पैसा रोहित को या माधुरी को मिलेगा वो इनकी एचयूएफ में ही जाएगा, इनके पर्सनल वेल्थ में नहीं जाता। मतलब दैट डायरेक्टली गो टू दी एचयूएफ ऑफ रोहित एंड, तो वहां ऑटोमेटिक एचयूएफ बन जाती है। सपोज दे आर नॉट विलिंग टू फॉर्म एचयूएफ तो इनके पर्सनल में जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट बड़ी एचयूएफ टूटती है ना तो उसके मेंबर को जो मिलता है ना वो डायरेक्टली छोटी एचयूएफ में चला जाता है, बरोबर। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे समझो अभी माधुरी जी है, माधुरी की शादी नहीं है, माधुरी लड़का है फिलहाल, प्लीज, तो उसकी शादी नहीं हुई है पर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया क्योंकि रोहित की शादी हुई जॉर्ज से, जॉर्ज बहुत क्रिकेट वाली बहू थी, रोज रोज रोहित को परेशान करती थी, तेजन का खाना मेरे से नहीं बनेगा, अकेले हो जाओ, बस अलग हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तो चार रोहित अलग हो गया, तो एचयूएफ का पार्टीशन हो गया। तो ये तो अकेला बेटा ही माधुरी था तो अलग हो गया, तो पार्टीशन में इसको जो एचयूएफ को मिला जब तक उसकी शादी नहीं होगी, दैट वेल्थ दैट सन कैन कीप असाइड, व्हेन ही फॉर्म्स द एचयूएफ ही कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दैट वेल्थ टू एचयूएफ। हाँ कितने साल के, व्हेन एवर दैट सन वॉन्ट्स टू मैरी, 40, 42, 75, 85, 95 बरोबर, तब उस समय एचयूएफ फॉर्म होगी, तब वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है एचयूएफ बनाने की तो पर्सनल में जाएगा, नहीं तो अब समझो कि फैमिली में कोई एचयूएफ है ही नहीं। समझो अभी सूरज एक अनपढ़ सा आदमी था, सूरज का बेटा रोहित वो भी अनपढ़ मजदूरी करता था, पहली बार इनके खानदान में किसी ने पढ़ाई की, रितेश ने। अब रितेश इज इंटेलिजेंट एंड ही wants to form HF, और सूरज के एक ही बेटा रोहित था, रोहित के एक ही बेटा रितेश, अभी माधुरी बेटा नहीं है अभी, बराबर। तो अब रितेश want to form HF, तो he can form first HF, but उसके लिए फैमिली होना जरूरी है। जब मैं बोलता हूँ फैमिली होना जरूरी है तो एक बार क्या हुआ, एक जन डाउट पूछने गया, प्रणय गया कोर्ट के अंदर, बोला कि मेरे को HF बना दिया। तो कोर्ट ने पूछा बनाओ, हमने कहा ना, बोला, बोले लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की, तो कैन आई फॉर्म एचयूएफ, कोर्ट ने बोला नहीं, एचयूएफ की पहली कंडीशन होती है कि आपकी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली की डेफिनेशन बहुत क्लियर होती है, हस्बैंड वाइफ और आने वाले जनरेशन, बरोबर। सूरज की फैमिली में रोहित आएगा, रितेश आएगा, अक्षित सब आएंगे, पर रोहित की फैमिली में सूरज नहीं आता है, रोहित की फैमिली में सूरज नहीं आता है। सूरज की एचयूएफ में कौन आएगा,
सब बेटे पोते पर पोते सब आएंगे, पर रोहित के फैमिली में रोहित के नीचे की जनरेशन, ऊपर वाले नहीं। तो कोर्ट ने प्रणय को बोला यू वॉन्ट टू मैरी इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म ए चीफ, विदाउट मैरिज यू कैन नॉट। इसने बोला सुष्मिता सेन ने बिना शादी के बच्चा अडॉप्ट किया, मैं कर लू तो? बोले नहीं, शादी तो करनी ही पड़ेगी, एचयूएफ का ओरिजिन वहां से ही होता है। और जब एचयूएफ फॉर्म होता है तब वहां पे एक से ज्यादा को पार्टनर होना चाहिए, नहीं तो टैक्स अवॉइडेंस कंसिडर हो जाता है। फॉर्म करने के लिए आप करो पर वो टैक्स अवॉइडेंस में गिर जाता है फिर, क्योंकि आप अपनी वेल्थ उधर ट्रांसफर कर रहे हो तो टैक्स बचा रहे हो ना, तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। लेकिन अगर एचयूएफ में एक से ज्यादा को पार्टनर है, क्योंकि जो को पार्टनर होता है उसी को पार्टीशन मांगने का राइट होता है। मतलब अगर मैं एचयूएफ की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल सूरज, सूरज की वाइफ कौन? दिनेश। दिनेश का बेटा कौन? अरे दोनों का बेटा कौन? रोहित। रोहित की वाइफ कौन? जॉर्ज। तो अगर जॉर्ज को तकलीफ है, मतलब बहू को तकलीफ है, पर इंडियन संस्कारों के हिसाब से बहू सास ससुर के सामने नहीं बोल सकती, तो वो बोलेगी कि अलग कर दो तो भी अलग। पार्टीशन का राइट किसको है? को-पार्टनर। को-पार्टनर बोले तो कौन? मेल मेंबर्स एंड डॉटर्स। मेल मेंबर्स एंड मेल में सन आ गया ना, ये मद्रासी भाई कैसा लगा? 2006 के पहले, 5 के पहले डॉटर्स वेर नॉट रिगार्डेड को-पार्टनर, इसलिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। को-पार्टनर्स मतलब मेल मेंबर्स एंड डॉटर्स। अभी डॉटर्स भी को-पार्टनर है, तो कोई एचईएफ की डॉटर भी पार्टीशन मांग सकती है। बराबर। हाँ बोलो। शादी के बाद भी वो, हाँ वो को-पार्टनर रहेगी, तो आपकी बहन पापा की एचईएफ में हिस्सा मांगने आ सकती है उसकी शादी के बाद भी। अगर आपको चाहिए और नहीं मांगे तो स्टैम्प पेपर पे लिखा लेने का आपकी शादी कर दी, पैसा दे दिया, अब आप हिस्सा नहीं मांग सकते। नहीं तो मांगने लीगली आ सकती है, आपको देना भी पड़ेगा। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते दीदी हमने आपकी शादी में 5 लाख दहेज दिया वो वापस करो। ये रियल लाइफ चीजें हैं जो पता है। मेरे को बहुत जन डाउट पूछते हैं, मतलब से फ्रेंड लोग, उनके डैडी लोग, बोलेगा नहीं यार मैंने मेरी बेटी की शादी में इतना खर्चा कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बचा हुआ धन है मेरे बेटे का ही रहे, मेरी बेटी मांगने नहीं आए, मैंने कहा वसीयत बनाओ उसे साइन करवाओ, वो नहीं मांगेगी। बोले मैंने उसकी शादी में बहुत खर्चा किया, ये दहेज दिया वो दिया, ऐसा होता है। आपको सुनने में बुरा लगेगा पर ये सब होता है, पैसे का लड़ाई झगड़ा ना बहुत खराब होता है। छोटे हैं तब तक भाई बहनों में बहुत प्यार रहता है, बड़े होते हैं और किसी और के साथ जुड़ते हैं बस फिर तो बहुत खतरनाक जिंदगी। तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हमेशा बोलता था, मैं उसको ऐसे ही पूछता रहा ऐसे कभी, वो मुझे एक बार डाउट पूछता है, कहना एक बात बताया, अपन बचपन से मम्मी डैडी ने पाला पोसा सब किया, जैसी शादी होती है वाइफ बोलती है अलग हो, पर मुझे अपने में अक्ल नहीं होती है कि मम्मी डैडी ने 20 साल अपने को 25 साल बड़ा किया, वाइफ ने बोला अलग हो जाओ, अपन उसकी बात सुन के अलग हो जाते। मैं बोला मेरी तो शादी नहीं, तभी शादी नहीं मिली, तो मैंने बोला मेरी शादी नहीं हुई मैं कैसे बोलूँ। फिर अगले दिन मुझे बोला नहीं मेरे को आंसर मिल गया। मैंने कहा क्या? बोले उस समय आदमी सोचता है कि अभी मेरे डैडी मम्मी तो 10-15 साल जियेंगे, बीवी 50 साल जियेगी, तो ज्यादा टाइम किसके साथ जीऊंगा मैं। मैं बोला तू ही क्वेश्चन रेज किया, तू ही आंसर ढूंढ के लाया। तो कैसा है, इट इज साइकोलॉजिकल गेम। तो जब ये अपन एचईएफ पढ़ते, अपन ना ऊपर ऊपर से एचईएफ पढ़ रहे, ये थोड़ा बहुत तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी अपने पोर्शन में इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे कि एचईएफ क्या होता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट बॉडी व्हिच इज फॉर्मड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, बरोबर। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितने टाइप के लोग होते हैं? मेंबर्स, को-पार्टनर्स में कौन? विष्णुप्रिया सन आता है उसमें? नहीं आता है। अच्छा, थैंक यू। तो सन भी आ गया मेल मेंबर में, और कितने डिग्री तक को-पार्टनरशिप रहती है? उसके बाद बरोबर बियॉन्ड 4 डिग्री को-पार्टनरशिप नहीं होती, ये अपने को पता होना चाहिए। अब एवरी मेंबर इज नॉट अ को-पार्टनर, बट एवरी को-पार्टनर इज अ को-पार्टनर को स्पेशल राइट क्या होता है कि वो पार्टीशन मांग सकता है। को-पार्टनर
कैन आस्क और डिमांड पार्टीशन, बरोबर, ये उसका राइट होता है। दूसरा ओपासनर विल गेट शेयर इन एचयूएफ, उसको एचयूएफ में शेयर मिलेगा, बरोबर, ये कोपासनर का फीचर होता है। फिर जो डॉटर्स रहती है, डॉटर्स आफ्टर मैरिज आर ऑल्सो रिगार्डेड एज कोपासनर इन फादर्स एचयूएफ, बरोबर, फादर्स एचयूएफ में कोपासनर होती है। इन एचयूएफ ऑफ हस्बैंड ओनली मेंबर, उसमें खाली क्या रहेगी, उसमें कोपासनर, बरोबर। फिर हेड ऑफ फैमिली इस करता, उसको क्या बोलते हैं, इन अवर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इस करता, सूरज तो वर्बल एग्जाम्पल था, लिखा हुआ तो एक्स है ना इधर, ऐसे क्या कर रहे हो, ये देखो ना मिस्टर एक्स इस करता। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ये दो टाइप का होता है, पार्शियल पार्टीशन फुल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन मतलब कोई भी एक जन अलग हो जाता है, जैसे सपोज करो कि सूरज और दिनेश का बेटा रोहित और माधुरी, प्लीज डोंट कंफ्यूज, रितेश पोता है, और जॉर्ज के कहने पे रोहित अलग होना चाहता है, पर बाकी जो मेंबर है वो साथ रहना चाहते हैं, तो खाली एक मेंबर को अलग कर दिया, उसको बोलते पार्शियल पार्टीशन, बाकी एचयूएफ वैसी की वैसी चल रही है, बरोबर, उसको पार्शियल पार्टीशन बोलते। समझो सब पे लड़ाई हो गई, जॉर्ज बिल्कुल डेंजरस बहू, स्टार प्लस चैनल की जो बहू होती है ना, सॉर्ट ऑफ सबको भड़का दिया उसने, कौन सी वाली, अरे रितेश बड़ा नॉलेज है आपको, जब भी सोचो पांडे जी से क्या बातें करते रहते हैं। Now I am understanding how a boy can become a good friend of a girl by watching Star Plus, sharing common serials. अरे क्या बात कर रहे हो, कभी से बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट बेंच पे बैठा है, दिव्या के बाजू में है, स्टिल यू टेलिंग, अभी आ जाइए आप फटाफट पढ़ाई पे, बेस्ट फ्रेंड बीमार है, आप थोड़ा उसको दवाई वाई दो, ऐसे नहीं करो, अच्छा अभी आ जाइए इधर। तो पार्शियल पार्टीशन में कोई भी एक मेंबर को अपन ने क्या कर दिया, अलग, बाकी एचयूएफ वैसी की वैसी, इसको पार्शियल पार्टीशन बोलते हैं। फुल पार्टीशन सब अलग अलग हो गए अपने अपने रास्ते, बरोबर। इनकम टैक्स एक्ट में पार्शियल पार्टीशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 31st December 1978। पार्शियल पार्टीशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर 31st December 1978, बरोबर, दैट इज इफ आफ्टर 31st December 1978 एनी पार्शियल पार्टीशन टेक प्लेस, इनकम टैक्स विल कंसिडर एज इफ नो पार्टीशन हैज टेकन प्लेस। एज इफ कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं है, बरोबर, एंड सो
एंड सो द एसेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेपरेटेड मेंबर विल कंटिन्यू टू बी ओन्ड बाय HUF एज पर इनकम टैक्स एक्ट. मतलब आपके रियल लाइफ में भले ही आप अलग हो गए हो पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी वो चीज किसकी है? HUF की. अभी भी वो चीज किसकी है? तो लीगली उस एसेट की इनकम भी किसकी होगी? बरोबर. क्योंकि पार्शियल पार्टीशन रिकग्नाइज्ड. आप करो ना, नहीं है ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम सेपरेशन कंसिडर. तो भले ही रियल लाइफ में वो अलग हो गया हो पर वो इनकम टैक्स उस इनकम को किधर टैक्स करेगा? HUF के हाथ में. बरोबर. हाँ या ना? आते आगे. फुल पार्टीशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमको. इट इज रिकग्नाइज्ड ऑलवेज. As and when take place. बरोबर. अच्छा अब आता है बात कि पार्टीशन के समय डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए. हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी डन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन के समय डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? जनरली इक्वली अमंग कर्ता, वाइफ ऑफ कर्ता. वाइफ ऑफ कर्ता को अलग से हिस्सा मिलता है. माँ है यार परिवार की, तो परिवार टूटेगा तो सूरज को अलग हिस्सा, दिनेश को अलग हिस्सा. क्योंकि दिनेश कौन है? सबकी माँ. बरोबर. तीसरा कोपासनर्स, जो भी भाई बहन रहेंगे उनको मिलेगा. बरोबर. उनको भी हिस्सा मिलने वाला है कोपासनर्स. बरोबर. यानी कर्ता HUF कोपासनर समटाइम्स आल्सो टू प्रेग्नेंट फीमेल इन दी फैमिली. फैमिली में जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको अगर उसका देख रख रखाव करने वाला कोई नहीं है तो होता है कितनी बार तो उसको अलग हिस्सा मिलता है. बरोबर. फिर फॉर कंटिन्यूइंग HUF देयर शुड बी एटलीस्ट वन कोपासनर. HUF को चलाने के लिए एक कोपासनर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो HUF बंद हो जाएगी. बरोबर. जैसे सपोज करो अभी फैमिली थी दिनेश, सूरज, रोहित और माधुरी. बरोबर. तो मम्मी, डैडी और दो बच्चे. समझो रोहित की वाइफ जॉर्ज वो भी थी. बरोबर. अचानक ये तीनों मेल निपट गए, माधुरी, रोहित और सूरज. कैन दिनेश एंड जॉर्ज कंटिन्यू? दीज आर फीमेल्स. मिसेस सूरज एंड मिसेस रोहित कैन कंटिन्यू HUF बिकॉज दे आर नॉट कोपासनर. कोई भी कोपासनर ऑटोमेटिक वो HUF क्लोज हो जाएगी क्योंकि HUF को जिंदा रखने के लिए एक कोपासनर जरूरी है. क्योंकि HUF हिंदू लॉ इज मेल डोमिनेटेड. अभी फीमेल को डॉटर्स को राइट दिया है पर ओरिजिनली इट वाज मेल डोमिनेटेड. तो वहां ऐसे ही माना जाता था कि परिवार में एक कोपासनर होना चाहिए. अभी डॉटर है तो भी चले बिकॉज डॉटर्स आर आल्सो रिगार्ड एज कोपासनर. बराबर. समझे. दूसरी चीज, जब पार्टीशन होता है नॉर्मली इक्वली लेते हैं नॉर्मली. बाकी वो लोग म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं. जैसे समझो अभी रोहित पार्टीशन हो रहा है जब मिसेस सूरज, सूरज, रोहित, माधुरी
एंड मिसेज रोहित जिंदा थी और मिसेज रोहित का एक नालायक बेटा नितेश। तो पार्टीशन हुआ तो सूरज ने बोला कि चार हिस्से कर देते, एक मिसेस सूरज का, एक मेरा, एक रोहित तेरा और एक माधुरी का, क्योंकि बाकी तो राइट मांग नहीं सकते। रितेश शिव भी मांग सकता है, पर सिंस रोहित ले रहा है तो ऑब्वियसली कोई परिवार एग्री नहीं होगा। तो ये सब हमेशा पार्टीशन म्यूचुअल डिसाइड होता है। तो रोहित बोलता है एक बात बताओ, तुम बुढ़ा बुढ़ी को कितना पैसे का जरूरत है? मेरे पीछे तो देखो कितना बर्डन है, मेरी वाइफ है, बेटा है। बोले इसको भी कहाँ इतने पैसे की जरूरत है। तो अपन हिस्सा ऐसा करते हैं 3:1:1:1। बोले मेरे पीछे बहुत खर्चा है। सूरज दयावान था, बोला ठीक है जा, हो सकता है ऐसा कुछ। नॉर्मली इक्वली होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, पर म्यूचुअली जो डिसाइड करे बरोबर। तो कभी भी ये सब चीजों में इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब इनकम टैक्स में लिखा हुआ नहीं है, ये सब हिंदू लॉ की बात है बरोबर। फिर इन इनकम टैक्स ऑल टाइप्स ऑफ HUF इन इंडिया आर कवर्ड बरोबर। जितनी भी टाइप की HUF इंडिया में है सब क्या है, किसके अंदर? इनकम टैक्स में। मतलब इनकम टैक्स इज अलाउिंग देम ऑल टाइप ऑफ HUF जितनी भी बन सकती है। जरा मैं सेव करके आता हूँ, बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी नहीं तो।